महिला आईपीएल के पहले मैच में सवाई मानसिंह स्टेडियम पर ट्रेलब्लेजर्स ने सुपरनोवा को 2 रन से हरा दिया। सुपरनोवा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ट्रेलब्लेजर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए। इसके जवाब में सुपरनोवा की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में सुपरनोवा को जीत के लिए 19 रन बनाने थे, लेकिन झूलन गोस्वामी के ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर 16 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत 46 रन बनाकर नाबाद रहीं। इससे पहले ट्रेलब्लेजर्स के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने 90 और हरलीन देओल ने 36 रन की पारी खेली। टीडट क्रिकेट में मंधाना का यह 22वां अर्धशतक है। सुपरनोवा की ओर से राधा यादव ने 2 विकेट लिए। अनुजा पाटिल और सोफी डिवाइन को एक एक सफलता मिली। मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। दूसरे ओवर में ही सुपरनोवा का पहला विकेट गिरा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपरनोवा की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सोफी एकलस्टन ने प्रिया पुनिया को 1 रन के निजी स्कोर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद चमारी अटापटू और जेमिमा रोड्रिग्ज ने पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी की। जेमिमा 24 रन बनाकर रन आउट होगी। इसके बाद अटापटू 26 रन बनाकर राजेश्वरी गायकवाड़ का शिकार बन गई। नटाली सीवर सिर्फ 1 रन बनाकर राजेश्वरी की गेंद पर आउट होगी। हरमनप्रीत और सोफी डिवाइन ने 48 रन की साझेदारी की। डिवाइन ने 22 गेंद पर 32 रन बनाए। मंधाना हरलीन ने शतकीय साझेदारी की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ट्रेलब्लेजर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम का स्कोर 11 रन था तभी सूजी बेट्स आउट होगी। उन्हें 1 रन के निजी स्कोर पर अनुजा पाटिल ने जेमिमा रोड्रिग्ज के हाथों कैच कराया। इसके बाद मंधाना और हरलीन ने पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की। हरलीन 36 रन बनाकर राधा की गेंद पर आउट होगी। राधा ने 44 गेंद की पारी में 3 चौके लगाए। वहीं मंधाना ने 67 गेंद की पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए। यह टूर्नामेंट बीसीसीआई की अच्छी पहल मंधाना। मंधाना ने टॉस के दौरान टूर्नामेंट की तारीफ करते हुए कहा, यह बीसीसीआई की अच्छी पहल है। इससे भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। यह वर्ल्ड कप की तैयारी में भी मदद करेगा।